बट बिफोर आई टॉक अबाउट द क्रेजी थिंग बींग लॉन्च इन बैंगलोर, हमारे यहाँ 16 लाख लोग बीटेक करने जाते हैं हर साल. हम हर महीने करीब 100 करोड़ की जॉब लगवाते हैं. करेंट इकोसिस्टम में अभी जो हमारा एवरेज सैलरीज चलती हैं ये कुछ 21.5 लाख के आसपास होती हैं. हाई क्वालिटी ऑफ आउटकम्स एंड टैलेंट क्वालिटी ये क्रिएट करना है. हेलो जी, कैसे हो सारे, दिस इज लव बब्बर. आज हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं. आपके लिए गेस्ट हैं, हमारे लिए एक फेवरेट मेंटर हैं, अंशुमन सर. सो सर के साथ पहले भी लास्ट ईयर एक वीडियो शूट कर चुके हैं जहाँ पर हमने बात की थी स्किल्स के बारे में, डिग्री के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, क्या बिना डिग्री के जॉब मिल सकती है उसके बारे में. ये तो पुरानी बातें हैं. कुछ दिनों पहले सर की कॉल आई, सर ने कहा कि दोस्त एक प्यारी सी क्रेजी चीज़ लॉन्च कर रहे हैं, अनाउंसमेंट करने वाले हैं, लॉन्च करने वाले हैं, आओ बैंगलोर दर्शन करवाते हैं. मैंने कहा ठीक है सर, तो हम आ गए हैं, एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, डिस्कस करेंगे वो क्रेजी चीज़ के बारे में. सो हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया. एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर. थैंक्स सर. बट बिफोर आई टॉक अबाउट द क्रेजी थिंग बीइंग लॉन्च्ड इन बैंगलोर इन द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट कर देता हूँ मैं. देखिए, अभी जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें इंजीनियर्स को अगर आप देखोगे तो वहाँ पे इंजीनियरिंग एजुकेशन को लेके एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. आप इंडिया का कल्चर देखोगे तो हर कोई डॉक्टर बनता है या इंजीनियर बनता है, जिसमें मैक्सिमम लोग इंजीनियर बनते हैं. हमारे यहाँ 16 लाख लोग बीटेक करने जाते हैं हर साल. बिल्कुल. और उसमें जो रिपोर्ट्स हैं, जैसे एस्पायरिंग माइंड्स की एक रिपोर्ट है, वो बोलती है भाई 98% लोग जो ग्रेजुएट करते हैं वो अनएम्प्लॉयबल होते हैं. इनफैक्ट भाई ऐसे देखो तो हमारा एग्जिस्ट करने का और लव का भी एग्जिस्ट करने का एक रीज़न वही है कि कॉलेजेस अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो हम उसको उस गैप को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं. तो अंडरस्टैंडिंग की वहाँ पे एक गैप एग्जिस्ट करता है. हम कुछ एक्साइटिंग आज लॉन्च करने वाले हैं बैंगलोर के अंदर जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है. सही है सर, बहुत बढ़िया. अब सर यहाँ पे एक डाउट मेरे मन में आ रहा है कि इश्यूज हैं, ए रीज़न, बी रीज़न, सी रीज़न, मान लिया बहुत सारे रीज़न, मान लिया बहुत सारे गैप्स हैं, पर आपको क्यों नीड पड़ी है यहाँ पर आने की और आप एडिशनल क्या वैल्यू यहाँ पे ऐड कर पा रहे हो, वो समझाओ. नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. तो देखिए, हमें ये लगता है कि जो बैचलर्स के 4 साल होते हैं वो 4 साल होते हैं जब आपके पास सबसे ज़्यादा टाइम होता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है. एंड आज की डेट में हमारे कॉलेजेस उस पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं. जैसे कि बहुत सारा टाइम एक स्टूडेंट वेल्डिंग करने में स्पेंड करता है. 2 सेमेस्टर में केमिस्ट्री पढ़ता हूँ, एक सेमेस्टर मुझे एनालॉग पढ़ाया जाता है जिसका कोई यूज़ नहीं है इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस. तो एक तो ये कि उस टाइम को बेटर यूटिलाइज किया जा सकता है, उस 4 साल को और प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है. हमारे देश का यूथ 4 साल ऐसी चीज़ों में अगर स्पेंड कर रहा है जो अपनी लाइफ में कभी नहीं यूज़ करने वाला, दैट इज़ अ मेजर वेस्टेज ऑफ पोटेंशियल. बिल्कुल. दूसरा, इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं कि कन्वेंशनल एजुकेशन को डिसरप्ट किया गया है. जैसे एक तरीके से ISB ने IIMs के साथ एक लेवल ऑफ डिसरप्शन किया जिसमें उन्होंने बोला कि भाई जो आपको चाहिए मैनेजमेंट एजुकेशन के लिए वो हम 1 साल में अचीव कर सकते हैं. अच्छा. और बहुत रिग्रेस प्रोग्राम बनाया. एंड आज की डेट में ISB प्रोग्राम इज एट पार और बेटर देन IIM प्रोग्राम्स. ठीक है, तो जितना वो 2 साल में सिखा पा रहे हैं उससे ज्यादा 1 साल में कर लेते हैं. ठीक है, तो हम भी वो करना चाहते हैं जो कि ISB ने IIMs के साथ किया. हम वो IIT या टॉप इंस्टीट्यूट्स के जो एजुकेशन है उनके साथ करना चाहते हैं. ठीक है, तो उस पर्सपेक्टिव से वी आर लॉन्चिंग नाउ अ स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी. ठीक है, जहाँ पे हम बहुत लोगों का इंटेक नहीं रखेंगे. दिस इज एन इंस्टीट्यूट बिल्ड फॉर द बेस्ट विथ एन अजम्पशन कि वी आर बिल्डिंग इट फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टर्म एज अ टाइमलेस इंस्टीट्यूशन. वी हैव बोरोड सम एलिमेंट्स फ्रॉम सम ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज. I'll again talk more about the curriculum in detail. For example, हम ये नहीं बात करते कि हम तुम्हें ऑपरेटिंग सिस्टम सिखाएंगे या कंप्यूटर नेटवर्क सिखाएंगे. मैं सही बताऊँ तो मुझे 3rd सेमेस्टर में पढ़ाया गया था और 4th सेमेस्टर में मुझे कुछ नहीं याद था. बिकॉज लोग पढ़ते हैं थ्योरी जस्ट टू क्लियर द एग्जाम. मुझे पढ़ाया था, मुझे याद था, पर मैं उसको अप्लाई नहीं करना चाहता था. मुझे पता था कि हाँ डेफिनेशन आएगी, ये डेफिनेशन लिख दूंगा, रीजन पूछेंगे, रीजन बता दूंगा, पर अगर मुझे बोले इसको कोड कर दो तो वहाँ पे मेरे हाथ जुड़ जाते हैं कि ये नहीं हो पाएगा जी हमसे. नहीं सर, देखिए वो जो चीज़ें ब्रोकन है वो तो ब्रोकन है. मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है कि सही स्टेट क्या है. अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बन रहे हो तो आप केमिस्ट्री में कितने अच्छे हो, फिजिक्स में कितने अच्छे हो, उससे बहुत ज़्यादा कोरिलेशन नहीं है टू वॉट यू विल बिकम एज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर. तो फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए. जैसे कि हमारा अभी जो करिकुलम है स्कूल स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का, दैट फोकसेस ऑन कि व्हाट शुड यू बी एबल टू डू. जैसे एक चीज़ जो हमने चाइनीज इंस्टीट्यूट से उठाई थी वो ये था कि इंस्टेड ऑफ टीचिंग यू कि यार ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे चलता है, ठीक है, हम रैदर ये बोलेंगे कि हाउ डू वी गेट अ पर्सन टू क्रिएट अ वेब सर्वर लाइक अपाचे वेब सर्वर और एनजिंग्स
इंजन सो दैट दैट कैन हैंडल लेट्स से 100,000 कॉन्करेंट रिक्वेस्ट पर सेकेंड. अब ये करने के लिए आपको बहुत डिटेल में मल्टी थ्रेडिंग और सॉकेट्स कैसे चलते हैं, टीसीपी आईपी कैसे चलता है, ये सब आना चाहिए. ठीक है, ये नहीं आएगा तो नहीं कर पाओगे आप. ठीक है, काइंड ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग हम कर रहे हैं कि वो उस कॉन्सेप्ट समझते जा रहे हैं और समझने के बाद में बदला कर रही तो ओएस के थे ऐसा कुछ कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं सिखा रहे कि ओएस में ऐसा होता है, उल्टा आ रहे हैं थोड़ा सा. ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं वाई से कि क्यों सीखना है, फिर हम जाएंगे कॉन्सेप्ट पे कि चलो ये सिखाते हैं बिकॉज इससे उसमें हेल्प मिलेगी. ठीक है, वेरी सिमिलरली इंस्टेड ऑफ टीचिंग क्रिप्टोग्राफी हम बोलते हैं कि यार वी वॉन्ट टू गेट यू टू अ स्टेट वेर यू कैन इम्प्लीमेंट HTTPS encryption yourself. ठीक है, तो अब उसके लिए आपको AES आना चाहिए, DES आना चाहिए या फिर RSA encryption आना चाहिए, वो अब नाउ दैट यू नो द वाई अब हम सीखेंगे. ठीक है, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए, विच इज कि आपने ये सीख लिया कि कंप्यूटर से कम्युनिकेट कैसे करते हैं, लैंग्वेज क्या है, बट आप उसको यूज करके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर पाते हो, वो आपका फिर DSA हो गया. ठीक है, या फिर मैं आपको बोलूं कि इंस्टेड ऑफ टीचिंग यू के HTML, CSS, JavaScript, मैं रैदर ऐसे स्टार्ट करूं कि यार आपने सबने गूगल शीट यूज किया है. ठीक है, अब गूगल शीट एक ऐसी बनानी है जिसमें कि 1,000,000 रोज हो और वो उसके बाद भी एकदम स्मूथली चले, कैसे बनाएंगे. ठीक है, एंड उसको अप्लाई करने के लिए जिस टाइप के फंडामेंटल्स लगेंगे, दैट इज द काइंड ऑफ फंडामेंटल टुडे टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे हमारे देश में जो SD2s हैं फ्रंट एंड वाले वो भी नहीं जानते हैं. बिल्कुल, तो अगर आप ये सब कर पाते हो बैक एंड में, फॉर एग्जांपल हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है एज अ गोल, उसको सिखाने के लिए विद वी विल हैव टू टीच डेटाबेसेस, विल हैव टू टीच SQL, NoSQL, एटसेट्रा, वो सब आउटकम के बाद आ जाता है. लेकिन अगर हम ये चीजें करवा लेते हैं, विच इज आर लिस्ट ऑफ आउटकम्स विद इन द फर्स्ट 18 मंथ्स ऑफ द प्रोग्राम, तो दैट पर्सन इज ऑलरेडी प्राइम्ड टू बी अ बेटर इंजीनियर देन मोस्ट इन द इकोसिस्टम. ठीक है, तो हमने बेसिकली प्रोग्राम को तीन पार्ट में डिवाइड किया है. पहले 18 महीने ऐसे हैं जहां पे ये आउटकम्स अचीव हो जाएं कि आप एक वेब सर्वर बना लेते हो विद 100K कॉन्करेंट रिक्वेस्ट, आप HTTPS इम्प्लीमेंट कर लेते हो, आप बहुत अच्छे हो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड DSA में, आप फ्रंट एंड पे गूगल शीट इम्प्लीमेंट कर लेते हो, आप बैक एंड पे ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना लेते हो, आपको लार्ज डेटा सेट यूज करना आता है. मैं आपको बोलूं कि ऊबर के लिए आपको डिसीजन लेना है कि उनको बसेस लॉन्च करनी चाहिए क्या, अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है तो आप उसको एनालाइज करके यू कैन टेक दैट बिजनेस कॉल. ठीक है, आपको प्रोडक्ट मेट्रिक्स सब समझ में आती है. उसके बाद तो ये आपका हो गया पहले 18 महीने. ठीक है, और इसमें कहीं पर वेल्डिंग नहीं थी, कहीं वेल्डिंग नहीं है, कहीं केमिस्ट्री नहीं है, कहीं फिजिक्स नहीं है. सही है, उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप है. ठीक है, एंड द रीजन व्हाई देयर इज अ 1 ईयर इंटर्नशिप इज कि कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स होते हैं कंप्यूटर साइंस में जो कि आपको तभी समझ में आते हैं जब आपने थोड़ा बहुत इंडस्ट्री का दूसरा साइड देखा है. बिल्कुल, आपने वहां काम किया है तो आपको फिर समझ में आएगा कि अच्छा ये क्यों सीखना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए 18 महीने के बाद 1 साल की इंटर्नशिप है. मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि जो उप्स कॉन्सेप्ट होते हैं, जितना हमें वो कॉलेज लेवल पे आया होता है, हमें पता है इनहेरिटेंस क्या होता है, पता है एनकैप्सुलेशन क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, डेफिनेशन ही पता है, कोई पूछे कोड कैसे करना है वो भी कर लेंगे हम, पर हमें एग्जैक्ट यूजेज नहीं पता कि इसको तुम एक रियल वर्ल्ड वाले प्रोजेक्ट में कैसे यूज करोगे, वो तुम तब सीखते हो जब तुम वहां बैठे होते हो रियल इंडस्ट्री के अंदर. तो ये चीज मैंने ऑब्जर्व करी जब मैं अमेजोन में गया, माइक्रोसॉफ्ट में गया, तो ये आपको कॉलेज लेवल पे नहीं आती. एक और एग्जांपल था इसका, एक किताब है हेड फर्स्ट डिजाइन पैटर्न, वो किताब मैंने अपनी लाइब्रेरी से ली और जो मेरे सीनियर्स थे वो कह रहे इसे मत पढ़ो, इसे मत पढ़ो. मैं क्यों मत पढ़ो, कह रहे ये हमारे लिए नहीं बनी है, टीचर्स के लिए बनी है. मैंने कहा क्यों, कह रहे इसमें जो कॉन्सेप्ट लिखे हुए कॉन्सेप्ट को तब समझ में आएंगे जब आप इंडस्ट्री में काम करके आ चुके होंगे, अभी समझ में नहीं आएगा आपको बिल्कुल भी. तो जब मैंने काम किया मैं तुम्हें तब मुझे समझ में आया कि अच्छा दैट्स व्हाई वो ऐसे कह रहे थे. बिल्कुल सही बात है, एक्चुअली द सेम अप्लाइज टू सिस्टम डिजाइन के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, HLD हाई लेवल डिजाइन जिसको बोलते हैं, वो आपको स्केल क्यों करना है, 1 बिलियन लोगों के लिए क्यों बनाना है, वो तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक आपने एक एप्लीकेशन बनाया हो एंड वो जैसे स्केल किया हो तो फिर वो फटना चालू हो गया हो, तब आपको समझ में आता है अच्छा इसलिए सीखना है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स का डिजाइन अच्छे से आना चाहिए. तो हेंस 1 साल का इंटर्नशिप, ताकि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस आ गया. तो अभी आपने 28 महीने स्पेंड किए, 28 महीने में आपके पास Now you know as much as any other engineer in the country. बिल्कुल. आपके पास 1 साल का experience भी है. फिर आखिरी के 18 महीने जो है वो है specialization. Specialization is जहाँ पे आप choose कर सकते हो, या तो आप competitive programming पे focus करो. ठीक है. जिसके बाद मतलब one is कि मतलब आप you get really good at problem solving and two is like जो top 0.1% companies हैं दुनिया में वो उसको बहुत बहुत value करती हैं. दूसरा है कि आप algo trading choose कर लो.
दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द एंटायर कंट्री बट वी देयर वी टीच अबाउट स्टॉक डेरिवेटिव्स इक्विटी एंड देन हाउ टू बिल्ड क्वांट मॉडल्स. इसको अगर हम सिंपल भाषा में बोलें तो ये बहुत सारे पैसे कमाने के एक स्ट्रीम है. एक कहानी सुनने बताई थी इसके बारे को 2009 की. सर वो एक बार शेयर कर दो. एक्चुअली मेरे हम लोग एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे ICPC अभी भी होता है. तो वर्ल्ड फाइनल्स में जो हमसे जस्ट पहले एक टीम गई थी वो IIT मद्रास की टीम थी. ठीक है. एंड वहाँ पे वन ऑफ माई कॉम्पिटिटर्स ही ज्वाइंड ए एल्गो ट्रेडिंग कंपनी. एंड उस टाइम पे 2009 में उतनी सैलरीज नहीं होती थी. उस टाइम पे उनकी सैलरी थी 50 लाख. एंड उनको ईयर एंड बोनस मिला था 75 लाख. वाह क्या बात है. एंड आप ऐसे सोचो कि हम लोग थर्ड ईयर में थे, हमें लगता था यार ये इतना सारा पैसा क्या करते होंगे इतने सारे पैसे. बट वो बात सही है कि एक्चुअली एल्गो ट्रेडिंग इज ए मनी मेकिंग मशीनरी. बिल्कुल. अगर आपको वो स्किल आती है तो वैल्यू इन द मार्केट इंक्रीजेस. इट ऑल्सो यूटिलाइजेज अ लॉट ऑफ एप्टीट्यूड मैथमेटिकल स्किल्स एज वेल. तीसरा स्पेशलाइजेशन है SD2 सीनियर इंजीनियरिंग का, जहाँ पे जो आपने बताया कि लो लेवल डिजाइन, हाई लेवल डिजाइन, इवन डूइंग सम थिंग्स ऑन सेटिंग अप सिस्टम्स, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट. क्लाउड इंजीनियरिंग फॉर एग्जांपल, जिसके बाद आपको उतना आता है जितना किसी भी SD2 को तो आता ही होगा, उससे ज्यादा ही आता है. ठीक है. तो जो एक आदमी 2 से 3 साल लगाकर प्रमोट हो गया SD2 बनाए, आपने वो 2 से 3 साल नहीं लगाए हैं, आपने बस अपनी 4 साल की पढ़ाई की है, उसमें आप उस लेवल तक पहुंच चुके ऑलरेडी. ठीक है. तो आपके 3 साल सेव हो चुके हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है. और फाइनली एक स्पेशलाइजेशन है विच इज़ अराउंड AI एंड मशीन लर्निंग. ठीक है. जिसमें कि NLP कंप्यूटर विजन, जैसे NLP हो जाता है कि सेंटिमेंट एनालिसिस करनी है, या जो ChatGPT अभी करता है, या जो Alexa अभी करता है, कि वॉइस को पहले टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है एंड टेक्स्ट का समझना कि क्या क्वेश्चन है, कैटेगराइज करना है, फाइनली एक आंसर कमिंग अप विद एन आंसर, वो होता है Alexa में, दैट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. या फिर कंप्यूटर विजन होता है कि इमेजेस को देख के एनालाइज कर पाना, जैसे कि जो अभी सेल्फ ड्राइविंग कार्स बन रही हैं, उनको क्या होता है, उनको वीडियो फीड मिलता है एंड उसमें आपको डिटेक्ट करना होता है कि ऑब्जेक्ट्स कहाँ कहाँ पे, ऑब्स्टिकल्स कहाँ कहाँ पे हैं, तो हेंस अप्लाई द ब्रेक या चेंज योर लेन या फिर टेक अ टर्न एटसेट्रा, वो सब सेल्फ ड्राइविंग कार में उससे ड्राइव होता है. ठीक है. तो वो AI ML में होता है. ऐसा नहीं है कि आपको सारे स्पेशलाइजेशन करना है, आप 2 स्पेशलाइजेशन चूज करोगे इन द फाइनल पार्ट. वेयर द आइडिया इज कि पहले जो 18 महीने हैं वो थोड़ा से एक्सप्लोरेटरी भी हैं, क्योंकि आपको वो 18 महीने और इंटर्नशिप के बाद समझ में आ जाएगा आपका इंटरेस्ट एग्जैक्टली क्या है. बिल्कुल. क्या आप पूरी लाइफ करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो, एंड उसके बेसिस पे देन यू चूज द स्पेशलाइजेशन. बिल्कुल. एंड देन यू ग्रेजुएट एज अ SD2 विद ए 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन 4 ईयर्स. सही है. इसमें सर एक चीज़ बहुत अच्छी है कि जब हमने वो 1 साल की इंटर्नशिप कर ली, सो वहाँ पर मैं माइंड मेकअप कर सकता हूँ कि क्या लाइफ भर में ये चीज़ करना चाहता हूँ, अगर मुझे मज़ा आ रहा है तो मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, नहीं तो कुछ और स्विच कर लेते. लेट्स से कि उसका मन कर गया PM रोल में स्विच करना है, अब आपके पास आएगी नहीं ये तो सर कोडिंग नहीं करनी मुझे, अब आप क्या करोगे सर. तो इन जनरल थोड़ा सपोर्ट है ऑफ ऑल काइंड्स. कोई अगर जैसे फॉर एग्जांपल जो पहले 18 महीने हैं उसमें देर इज इनफ फोकस ऑन एनालिटिक्स एंड प्रोडक्ट मेट्रिक्स. ठीक है. अगर किसी का इंक्लिनेशन ऐसा हो जाता है कि आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट में ही जाना चाहते हो, तो हमारे पास एक और पेडागॉजी में एक और लेयर है विच इज कॉल्ड मेंटरशिप. ठीक है. जिसका मतलब ये है कि आपके पास टीचर्स होते हैं जैसे कि आपके पास कॉलेजेस में भी होते हैं, उसमें भी कुछ डिफरेंसेस हैं जो हम बाद में बताएंगे, बट हर किसी के पास एक 1-on-1 मेंटर होता है. ठीक है. मेंटर इज समबडी हुज एक्सपीरियंस वर्किंग इन द इंडस्ट्री एंड दिस इज पर्सनल टू यू, सो दे गिव यू पर्सनल अटेंशन, दे टॉक टू यू वंस एवरी मंथ. ठीक है. तो अगर वैसे चेंजेस होते हैं तो हम मेंटर्स चेंज कर सकते हैं टू अ पर्सन हु यू वांट टू बिकम लाइक. ठीक है. तो अगर आप प्रोडक्ट मैनेजर बनना चाहते हो तो उस केस में हम मेंटर चेंज कर देंगे आपका फॉर द लास्ट 18 मंथ्स, वेयर अ प्रोडक्ट मैनेजर इज देन टेलिंग यू व्हाट आर द कॉन्सेप्ट दैट यू शुड बी लर्निंग टू बिकम अ प्रोडक्ट मैनेजर. ठीक है. उस छोटी सी स्ट्रीम के लिए एक नया कोर्स बना मुश्किल है. हाँ हाँ. लेकिन इन चीजों से हम आपको फिर भी गोल्स की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं, बिकॉज काफी बार गोल्स बहुत डाइवर्ट हो जाते हैं लोगों के. किसी को मे बी मार्केटिंग में जाना हो, किसी को प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जाना हो, तो उन वो जो अलग अलग कॉर्नर केसेस बनते हैं वो फिर हम मेंटरशिप से हैंडल करते हैं. ठीक है. ठीक है. अभी भी 2 चीजें सर जहाँ पे कन्फ्यूज हूँ मैं, जहाँ मुझे थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट चाहिए और थोड़ी सी आपकी जस्टिफिकेशन एक्सप्लेनेशन चाहिए. वो चीज है कि हम 200 बच्चे टारगेट कर रहे हैं. ठीक है. 200 में पैसे तो हम नहीं कमा सकते, तो मैं जानता हूँ अच्छी तरह. ठीक है. और हमने क्या बोला कि हम IIT से कम्पीट भी करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हम उस लेवल की एक चीज सेटअप करना चाहते हैं. जो इकोसिस्टम IITs में एग्जिस्ट करता है वो इकोसिस्टम आप कैसे दे पाओगे,
कोई एक चीज सालों से चली जा रही है एकदम बिल्कुल शार्पन हुई पड़ी है, एकदम हर चीज एकदम परफेक्ट हुई पड़ी है, आप कैसे करने वाले हो? नहीं बिल्कुल बात आपने सही बोली, आईआईटीज का एक्चुअली मैं मानता हूँ सुपर पावर इज नॉट देयर प्रोफेसर्स, द सुपर पावर इज द काइंड ऑफ पीपल हु स्टडी टुगेदर, जो साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर पीयर्स बहुत अच्छे हैं तो मैं उनसे सीखता बहुत हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीजें तो मतलब बाय चांस सीख लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे याद है मैं कॉलेज में गूगल समर ऑफ कोड होता है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, मुझे पता चला थ्रू अ पीयर क्योंकि वो भी एक्सप्लोर कर रहा था, मतलब मैं रूम में था तो मैंने पूछा भाई क्या है, तो उसने समझाया कि ये होता है ट्राई करना चाहिए, तो बड़ी बड़ी सारी डिस्कवरी भी पीयर्स के थ्रू होती है, एंड अगर वो है तो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो हमने उसके लिए क्या किया है, वन इज़ की सेलेक्टिव 200 का बैच इसीलिए है ताकि आपके पीयर्स इक्वली स्ट्रांग हो। ठीक है, दूसरा मेंटर्स जो आपको वन ऑन वन मिल रहे हैं वो ऐसे हैं जो कि आपसे कुछ ईयर्स अहेड हैं इन लाइफ एंड दे हैव अचीव्ड थिंग्स इन लाइफ, जो आप अचीव करना चाहते हो, जो आप अचीव करना चाहते हो, तो उनसे आप सीखते हो। तीसरा हमारे इकोसिस्टम में एक और कॉन्सेप्ट है सुपर मेंटर्स का। ठीक है, ये वो लोग हैं जैसे कुणाल शाह या फिर बड़ी बड़ी कंपनी से सीटीओ, फॉर एग्जांपल आकाश हैं वो हॉटस्टार के सीटीओ हुआ करते थे, या फिर जो अभी उबर इंडिया के हेड हैं, उन टाइप के जो लोग हैं जिन्होंने दुनिया हमसे ज्यादा देख रखी है, वो क्वार्टर में एक बार आके स्टूडेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, एंड देयर गोल इज टू मेक श्योर लोग एस्पायर करें टू डू लार्ज थिंग्स इन लाइफ। नोबडी इज ओके विद मीडियोक्रिटी। ठीक है, बट सबको ज्यादा अचीव करने का मन करें, वो माइंडसेट डेवलप करना एंड देन शोइंग देम कि आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। बेसिकली आपने वो कोडिंग वाला ज्ञान दे दिया, वो साथ साथ चल रहा है बढ़िया, पर साथ में आप वो जो इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो किंग्स हैं, उनको भी साथ में लेके आ रहा हूँ मेंटरशिप के लिए, जो कि आई थिंक असलियत में एक बहुत क्रेजी चीज है कि आप बैठे हो एक क्लास के अंदर और वहाँ पे कुणाल शाह की गाइडेंस कर रहे हैं। वाओ, बहुत अच्छी चीज़ है। एक और चीज है जो मैं उसमें ऐड करूंगा, एक्चुअली हॉस्टल के अंदर कल्चर जो बन जाता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यूज जो आप अपने लाइफ में लेके आगे चलते हो उसको मेजर करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज वो वैल्यूज आपको शेप करती हैं फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो हमारे में एक और चीज जो डिफरेंट है वो ये है कि एक कॉन्सेप्ट है ऑफ बैच सक्सेस मैनेजर। ये वो लोग हैं जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुके हैं। ठीक है, वो लोग आपके साथ हॉस्टल में रहते हैं एंड उनका उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने लेट्स से 70 लोगों को अडॉप्ट कर रखा है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये 70 लोग सक्सीड होके लाइफ में कुछ बड़ा करें। ठीक है, तो वो आपके साथ रेगुलरली, वो आपको क्लास में भेजना या फिर क्लास के बाद लैब हो रही है तो लैब में वहां पर रहना एंड मेकिंग श्योर कि हर कोई असाइनमेंट कर पाता है, चीजों में स्ट्रगल कर रहा है तो फिर उसको हेल्प करना, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शाम शाम में मतलब डूइंग दिस फायरसाइड चैट विद पीपल टू शो देम कि व्हाट आर थिंग्स दैट मैटर इन लाइफ वर्सेस व्हाट डोंट। ठीक है, कभी कभी सर ऐसे में तो बहुत स्ट्रेस हो गया बच्चे को और कम्युनिकेट अपने पेरेंट्स से नहीं कर पाता, तो उस केस में हेल्प कर सकते हैं। एक्चुअली बड़ी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे इकोसिस्टम में, कुछ लोग कोप कर लेते हैं बट जो नहीं कोप कर पाते हैं उनके लिए वो मेंटल प्रेशर बिल्डअप होता जाता है। एंड एक प्रॉब्लम ये है कि इंडिविजुअल अटेंशन किसी को मिलता नहीं है बिल्कुल, जिसकी वजह से बड़े अनफॉर्चुनेट कुछ कुछ केसेस सामने आते हैं जिसमें लोगों ने सुसाइड कर लिया। अब एट सच एन यंग एज विद सो मच पोटेंशियल सुसाइड इज अ ह्यूज लॉस, नॉट जस्ट फॉर द पेरेंट्स बट फॉर द इकोसिस्टम एज वेल। तो एक जो अटेम्प्ट है हमारे साइड से टू गिव पीपल इंडिविजुअल अटेंशन, वन ऑन वन मेंटरशिप इज टू डू दैट, बैच सक्सेस मैनेजर इज टू डू दैट, कि आपको पीयर से जो अटेंशन मिलता हो, टीचर से जो अटेंशन मिलता हो तो ठीक है, बट उसके ऊपर से लेट्स गिव पीपल पर्सनल अटेंशन। ठीक है, ठीक है, तो मल्टीपल लेयर्स हैं हमारे पास यहाँ पे सपोर्ट की, टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, सुपर मेंटर्स हैं और ये सक्सेस बैच सक्सेस मैनेजर, बैच सक्सेस मैनेजर है, बहुत सारी चीजें हैं और बच्चे दोस्तों हैं, पर सर ये थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा लग रहा है। नहीं नहीं, देखिए बहुत जरूरी है कि जो लोग भी आ रहे हैं वो अपनी लाइफ में, एक गोल हमारे लिए फॉर एग्जाम्पल ये है कि कोई भी यहाँ से ग्रेजुएट करे तो दे आर डिफरेंशिएटेड टैलेंट, विच मीन्स एवरीबडी सेइंग कि यहाँ का अगर बच्चा है तो फिर तो आंख बंद करके सेम वही आईआईटी वाली मेंटालिटी, हाँ आंख बंद करके आप हायर कर लो बिकॉज दिस पर्सन इज गोइंग टू आउट परफॉर्म एवरीबडी एल्स। ठीक है, तो अगर वो करना है तो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, मतलब लॉट ऑफ फोकस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, जितने ज़्यादा लोग लेंगे फोकस उतना स्प्रेड होगा। ठीक है सर, एक चीज़ और, इंडिया के अंदर क्या होता है जनरली, अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को वहाँ पे कॉलेज के अंदर भेजा तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई ये एक अच्छी प्लेसमेंट लेके बाहर निकलेगा, जब ये कॉलेज से बाहर आएगा इसके बाद एक अच्छा सा पैकेज होगा। तो हमने सारी बातें कर ली कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, कौन हमें मेंटरशिप देने वाले हैं, कैसा इकोसिस्टम रहने वाला है, कैसी पैडागॉजी होगी, कैसा करिकुलम होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पेंडिंग है वो है प्लेसमेंट्स जी। तो प्लेसमेंट सपोर्ट अवेलेबल है या नहीं है, अगर है तो कैसा है और हम विश्वास क्यों करें आपके ऊपर, ये बताएं। मैं पहले उसे स्टार्ट करता हूँ, विश्वास क्यों करें। अभी करंट स्टेट में हम हर महीने करीब
100 करोड़ की जॉब लगवाते हैं। इसका मतलब ये है कि 200 लोगों की प्लेसमेंट कराना हमारे लिए एक हफ्ते की बात है विद द करंट इकोसिस्टम दैट वी हैव। मतलब बहुत ही ट्रिवियल चीज़ है 200 लोग की प्लेसमेंट लगवाना, लेकिन हम कभी भी इसको अपनी वेबसाइट पे नहीं लिखेंगे, कभी भी हम इसको ब्रोशर के अंदर नहीं लिखेंगे। उसका रीज़न ये है कि एजुकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ओनरशिप। अगर कभी मैंने किसी को भी ये बोल दिया ना कि भाई देख मैं तो जॉब लगवा दूंगा, तो फिर फोकस हट जाता है टू वर्क हार्ड एंड गेन स्किल्स। एंड टू बी ऑनेस्ट, लाइक जॉब्स आर एन आउटकम ऑफ स्किल्स। बिल्कुल, कोई किसी आप जिम में जाओगे और ट्रेनर को बोल देगा आपको कि मैं तो बनवा दूंगा आपका सिक्स पैक, तो फिर तो मैं जाके घर बिरयानी खाऊंगा, बोलूंगा बनाओ आप। तब भी सर मेरी बननी बारी है, यही रीजन था लगता है। लेकिन हाँ, प्लेसमेंट पे हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड इज कि वी डू प्रोबेबली 200 लोगों का प्लेसमेंट इन 1 or 2 weeks। ठीक है, and this is an ongoing basis entirely through the year. We have 900 employer partners. 200 बच्चों के लिए 900 employers हैं, and these are top employers in the country and outside of the country. तो placement पे तो मतलब if you ask me, I believe कि that is the least of our concerns. ठीक है, तो आप करो, वो तो मैं करवा ही दूंगा, वो तो हो ही जाएगा। लेकिन importance same कि there is a difference between a good engineer, ठीक है, and an extraordinary engineer, ठीक है। हमारा goal है कि 200 पे हम सिर्फ इसलिए limit कर रहे हैं because we want to create extraordinary people out of those 200 people that come here. एक सर बहुत important question है, बहुत सारे market में players हैं और ये बहुत आसान है बोलना कि मैं सबकी प्लेसमेंट करवा दूंगा, ठीक है। एक कैच होता है इसके अंदर जो कि कोई कोई जानता है, मैं जानता हूँ। आप मुझे ये बताओ, प्लेसमेंट तो आप करवा दो पर एवरेज पैकेज कितना आएगा उनका? मैं आपको करंट इकोसिस्टम का बताता हूँ और फिर इन पे भी जाता हूँ। ठीक है, करंट इकोसिस्टम में अभी जो हमारा एवरेज सैलरीज चलती हैं ये कुछ 21.5 लाख के आसपास होती हैं। एंड बाय द वे ये प्योर 21.5 लाख है। कॉलेजेस में काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप जो नंबर्स देखते हो वो रियल नंबर्स नहीं होते हैं, वो 4 साल के आपके स्टॉक्स को जोड़ के फिर बताते हैं इतने का पैकेज लग गया। तो उस परस्पेक्टिव से वी आर, दूसरा इन पे अगर मैं आऊँ तो इन पे जो हमारा गोल है इंटरनली टू बिल्ड ऑल ऑफ दिस इज कि वी वॉन्ट टू टारगेट द टॉप 1% जॉब्स। ठीक है, टॉप 1% जॉब्स पे इवन हायर देन 21 लाख। ठीक है, अगेन मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म में कोई नंबर नहीं बोलना चाहता बिकॉज फिर उससे सेम चीज ओनरशिप कम हो जाती है, एजेंसी कम हो जाती है, लेकिन द क्वालिटी ऑफ प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी हायर देन द क्वालिटी ऑफ प्लेसमेंट दैट हैपन टुडे बिकॉज वी आर बीइंग सेलेक्टिव। उन सबसे वैसे एक क्वेश्चन जो हमेशा आता है वो ये आता है कि आप डिग्री क्या देने वाले हो? ये सब तो बढ़िया है, लेकिन बच्चे को डिग्री क्या मिलेगी? तो अभी हमारे पास 2 यूनिवर्सिटी पार्टनर हैं जिनके थ्रू हम डिग्रीज सॉल्व कर रहे हैं, and it's a parallel enrollment in those programs. So anybody who completes the scale-up program, unko BITS se bachelor's milega, BITS Pilani se, and ek European university hai, wahan se MS in computer science milega. MS. So in 4 years, you graduate with a bachelor's and a master's from BITS Pilani and the European Institute. Thik hai. So in sab ke baad bhi hume bada validation mila coaching institute se bhi, they are also super excited about this program. तो ये कुछ early signs हैं, but I think the real proof of the pudding is कि ये बच्चे 4 साल बाद क्या करेंगे। बिल्कुल, target वही है सर, क्योंकि 200 बच्चों में आप ये नहीं सोच रहे हो कि मैं बहुत पैसे कमा लूँ, बहुत पैसे कमा, 200 में नहीं होता वो, ठीक है। जो थोड़ा बहुत भी ज्ञान रखता होगा बिजनेस का उसको पता है कि नहीं होने वाला, ये पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ठीक है, मेरे मन में आते मैं रजिस्टर करना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए, कब से ये स्टार्ट होने वाला है, कैसे मैं रजिस्टर कर सकता हूँ, क्या कोई टेस्ट है, क्या कोई टेस्ट नहीं है, क्या मेरा जेई का रिजल्ट आया होगा उसके आधार पर मैं एडमिशन ले सकता हूँ, क्या कोई स्कॉलरशिप अवेलेबल है, क्या कोई फाइनेंशियल एड अवेलेबल है, ये सारे छोटे मोटे सवाल। बिल्कुल, पहली चीज तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का लिंक डाल दीजिएगा सो दैट आप लोग क्लिक करके उस वेबसाइट पर जा सकते हैं। पहला स्टेप है आप उस वेबसाइट पर रजिस्टर कर लीजिए। ठीक है, दूसरा स्टेप कि एक एग्जाम होगा जो कि महीने में एक बार होगा, सो अभी से 3 अटेम्प्ट्स हैं, क्लासेस स्टार्ट ऑन July 18th। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप 3 अटेम्प्ट दे दो, दैट इंक्रीज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ एंडिंग अप इन द कोहोर्ट ऑफ 200 पीपल। एग्जाम का जो फॉर्मेट है तो हमने बड़ा अलग डिजाइन किया है एज कम्पेयर टू JEE, बिकॉज हमें लगता है कि वी शुड ओनली सॉल्व फॉर क्या आपको ये करिकुलम इफेक्टिवली करने में हेल्प करेगा। एंड हमें दिखता है कि 3-4 चीज़ें, वन इज कि मैथ्स आनी चाहिए, मैथ्स में भी प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स ये सब आना चाहिए। दूसरा हमें लगता है कि कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप नई चीज़ें समझ के इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो एक सेक्शन है एग्जाम का जहाँ पे हम एक पैराग्राफ में आपको कोई नया कंसेप्ट पढ़ाते हैं एंड फिर अगले कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि उस कॉन्सेप्ट के ऊपर हैं, ठीक है, टू सी कि आप
वहां पे पढ़ के समझ के कुछ इंप्लीमेंट कर पाते हो क्या? ठीक है. व्हाट इज योर एबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग्स? ठीक है. तीसरा सेक्शन है ऑन एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग. एंड फाइनली एक सेक्शन है ऑन इंग्लिश, जिसमें कि वी जस्ट इवैल्यूएट कि बेसिक इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, कि आपको एक पैराग्राफ दिया तो आप समझ पाते हो क्या क्या लिखा है उस पैराग्राफ में. उसका भी रीजन ये है कि कंप्यूटर साइंस में बड़े सारे डॉक्यूमेंटेशन जो होते हैं, हाँ, वो तो होते हैं इंग्लिश में ही है. हाँ, पढ़ने तो पढ़ेंगे. तो पढ़ने तो पढ़ेंगे, तो इसलिए हम वो फाइनल चीज टेस्ट करते हैं. ये चार चीजें में अगर आप ठीक कर लेते हो, कट ऑफ अगर हर सेक्शन का क्लियर कर लिया है, तो देन यू आर इन. ठीक है ठीक है ठीक है सर. यहाँ पर सर बहुत बताएं. एक फाइनल चीज जो आपने बोली थी फाइनेंशियल एड की, हाँ, तो वी ऑल्सो हैव पार्टनरशिप्स विद सर्टेन इंस्टीट्यूशंस जिसके बेसिस जिनको यूज करके वी आर एबल टू गिव स्कॉलरशिप टू सम पीपल विच इज इन द रेंज ऑफ 30-80% ऑफ द फीस ऑफ द प्रोग्राम. उसके लिए अगेन देर आर सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो सारे डिटेल्स वेबसाइट पे मेंशन है. अगर आप क्वालिफाई करते हो तो विल डेफिनेटली हेल्प यू. ठीक है. दो तीन छोटे छोटे सवाल सर. मेरे मन में एक सवाल है सर कि लेट से मैंने जूम किया कि मैं कॉलेज सेटअप करूंगा, मैं एक इंस्टीट्यूट सेटअप करूंगा. मुझे पता है कि एक कॉस्टली अफेयर है, ठीक है, यहाँ पे बहुत इन्वेस्टमेंट मुझे करनी पड़ेगी. कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब कुछ बड़ा स्टेप ले रहे होते हो, ठीक है, ये थोड़ा आगे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, तो आपके मन में एक डाउट जनरेट होता है. तो वो छोटी छोटी वैलिडेशन आपको कैसे मिलती है कि यार हम सही दिशा में जा रहे हैं? ऐसे कोई एग्जांपल जहाँ पे आपको लगा हो कि हाँ यार सही चल रहा है, सही चल रहा है, वो वैलिडेशन मिली हो कभी? मल्टीपल वैलिडेशंस, अर्ली वैलिडेशंस हैं जो फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहली चीज़ ये करी थी कि जब हमने ये बनाया था तो हमने इसको, हमारे पास इंटरनल कम्युनिटी है 30,000 लोगों की जो हमसे पढ़ते हैं अभी भी, ये लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं. तो हमने सबसे पहला काम ये किया था कि हमने उनको बताया कि ये प्रोग्राम है. हमारे पास बहुत सारे रीच आउट उनसे आए हैं कि यार मैं फिर से बैचलर्स कर लेता हूँ. विच इज़ अ गुड वैलिडेशन कि बहुत लोग आर विलिंग टू से कि मैं अगले 4 साल जॉब नहीं करूंगा, मैं जॉब छोड़ देता हूँ, ये इतना अच्छा प्रोग्राम है, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम. ठीक है. हमें मना करना पड़ा उनको क्योंकि हमारी एलिजिबिलिटी इज ओनली टू पीपल हु ग्रेजुएट फ्रॉम क्लास 12th इन 2023 या 2022 या 2021. ठीक है. और पास किया हूँ. पास करना बड़ा तो एक तो वैलिडेशन वो था. ठीक है. दूसरा, अभी भी हम जब जाके जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट से बात करते हैं या फिर हम कंपनी से बात करते हैं जो इस स्पेस में हैं, जो कि क्लास 12th के बच्चों को पढ़ाते हैं, उनसे भी बहुत सपोर्ट मिला है हमें. तो एक फाइनल मैसेज मेरे एंड से बाकी सारी ऑडियंस को, जब भी मैं सर से मिलता हूँ, बाकी मेंटर से मिलता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार ये सब भी एक टाइम पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, ये सब भी एक टाइम पे कॉलेज जा रहे थे, ये भी हमारी तरह नॉर्मल इंसान है, राइट. आज इतना सोच पा रहे हैं कि अपना खुद का कॉलेज सेटअप करेंगे, वहाँ पे इतने लोगों की हेल्प करेंगे, ठीक है, उनको टॉप नॉच इंजीनियर्स बनाएंगे. तो अगर ये कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो. बस सोचना पड़ेगा, उतना बड़ा सोचो, अपने साथ के लोग ढूंढो और काम करना शुरू करो. ठीक है. तो ये छोटा सा एडवाइस मेरे एंड से था सर आपके लिए. अगर एक छोटा सा एडवाइस आप इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को बताना चाहें तो क्या होगा वो? हम स्केलर के अंदर दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं. एक तो बात करते हैं डेयर टू ड्रीम. हमारी पहली क्लास जो होती है उसका टाइटल होता है डेयर टू ड्रीम. पहले तो पहला स्टेप है कि आप बड़ा सोचना स्टार्ट करो. ठीक है. एंड दूसरा ये कि आप उसके लिए करना चालू करो. हंगर टू डू इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल. तो डेयर टू ड्रीम एंड बी हंग्री टू डू मोर, ये दो एडवाइस मेरी रहेगी. आपके पास अगर ये दो वैल्यूज हैं तो फिर आप सीख जाओगे, आप एफर्ट मार के सीख जाओगे. ठीक है. सो थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग. और एक आपके अनाउंसमेंट नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाके एक्सप्लोर करें क्या है प्रोग्राम और खुद से पढ़ें, डिटेल में समझें. और अगर आपको चीज़ समझ में आती है तो यू कैन साइन अप, यू कैन रजिस्टर और आप फिर शुरू करें, बने अच्छे कोडर, बने बढ़िया कोडर. ठीक है जी. धन्यवाद एवरीवन. मिलेंगे आपसे ऐसे किसी और पॉडकास्ट के अंदर. इस पॉडकास्ट में इतना ही. बाय. थैंक यू सर. थैंक यू.